बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। सफ़ायर की सेल जो सिर्फ एक आउटलेट पर है उसको मैंने कवर किया है। भाई ऐसे कमेंट भी आते हैं कि भाई बहुत बकवास वीडियो बनी है, सिर्फ डब्बे और लोगों के पाँव के शूज़ नज़र आ रहे हैं या जूते नज़र आ रहे हैं। तो भाई पीछे भी लोग, आगे भी लोग, तो बंदा वीडियो किस तरह बनाए ये भी सोचे। वीडियो बनाना इतने ये चेक करें, आगे सामान, आगे आर्टिकल्स पाँव में पड़े हुए, पाँव में लोग बैठे हुए, पीछे से लोग धक्के दे रहे, तो मैं किस तरह वीडियो बनाऊँ? मतलब हद है, इतनी रश में, इतनी गहमा गहमी में, इतने क्राउड में वीडियो बना लूँ, यही बड़ी बात है। तो मतलब चेक करें, मेरी हिम्मत की दाद नहीं देनी, लेकिन कमेंट ऐसा क्यों करना है कि दिल आज़ारी हो? बंदे की हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए भाई। खैर, इस तरीके की कलेक्शन है जो आप लोगों को नज़र आ रही है। ये मैं क्यों जुम्मा बाज़ार बोलती हूँ, सफ़ायर का जुम्मा बाज़ार, इसीलिए कि बिल्कुल ये जुम्मा बाज़ार की तरह दिखता है ना। नीचे सामान पड़ा हुआ, आर्टिकल्स पाँव में रुल रहे होते हैं। तो ये तमाम आर्टिकल जो है फ्लैट 40% ऑफ की सेल पर थे, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे थे। इस तरह डब्बों से जो हैं सूट बाहर निकले हुए हैं, लोगों ने गोदों में संभाले हुए हैं और अपनी बिलिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये सारी कलेक्शन जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे है। सिर्फ एक और दिन रह गया है सेल पर, यकीन माने आज की सेल में तो जो मेरे सुनने में आया है कि जो एम्प्लॉयज़ थे वो बस दरमियान में आके आर्टिकल्स फेंक देते थे, बोरा खोलते थे, और लोग, और अच्छे अच्छे लोग, अच्छी फैमिली से लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे और वहाँ से खींचातानी करते थे। मतलब उनको डिस्प्ले करने का मौका ही नहीं मिला और इस तरह छीना तांकी क्या बोलते हैं उसको, वो कर रहे थे, छीन रहे थे एक दूसरे से आर्टिकल्स। तो खैर, ये सारी कलेक्शन आपको सेल पर मिलेगी। अभी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वीडियो मैंने बना लिए है, शेयर मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। कुछ आर्टिकल्स मैंने बाय किए हैं, वैसे मोस्टली तो क्लाइंट्स के हैं और उन्हीं की शॉपिंग हॉल की वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने बाय भी कर लिए हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ शर्ट्स हैं, ये शर्ट मैंने बाय की हुई है, एक अपने लिए की है, एक एक्स्ट्रा की है, लेकिन मैं इसके साथ ट्राउज़र देखना चाह रही हूँ। मुझे ट्राउज़र मिल जाए तो मैं फिर इसको टू पीस करके सेल करूँगी, और अगर किसी को शर्ट भी चाहिए तो मुझसे बाय मतलब ले सकता। तो खैर, इस तरीके की कलेक्शन है, क्या करूं भाई, जूते आएंगे, पाँव आएंगे, कलेक्शन नहीं नज़र आएगी। हाथ ऊपर ले जाने के लिए पीछे से धक्का पड़ता है बंदे को। तो जो जो मेरे सामने आ रहे हैं आर्टिकल्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये अपडेट भी देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों के इनबॉक्सेस आते हैं, पूछते हैं कि इनकी सेल ओवरऑल कब लगेगी, क्योंकि बहुत से व्लॉगर्स की वीडियोस आ रही हैं कि बहुत जल्द इनकी फ्लैट 50% ऑफ की सेल आने वाली है। तो वही व्लॉगर्स हम सब अपनी वीडियोस चलाने के लिए ये सब कुछ करते होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सेल नहीं आने वाली। सफ़ायर वालों को ख़ुद भी नहीं पता कि वो सेल लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी इनकी न्यू लॉन्चेस हैं, जो 16 फरवरी को इनकी न्यू लॉन्चेस डिस्प्ले होंगी और शेयर होंगी। अभी ये लोग पागल थोड़ी हैं, मतलब जितना कुछ था ना, जितना इनके गोदाम में स्टॉक था वो ख़त्म हो गया इस सेल में। मतलब करोड़ों के हिसाब से तो इनकी सेल होती है, तो मतलब आप ख़ुद सोचें, यहाँ पर कोई आर्टिकल्स रहेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत रहा भी तो मुझे नहीं लगता कि ये सेल लगाएंगे, क्योंकि इनकी सेल हर 3 महीने के बाद आती है जो ओवरऑल सेल लगती है। तो मार्च में रमज़ान है, रमज़ान में ये लोग कैसे सेल लगा सकते हैं? खैर, ये ओवरऑल ये सूट अच्छा लग रहा है, ये ग्रे कलर का, ओवरऑल इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे अच्छी लगी, तो अच्छा दिख रहा है।
तो खैर साथ साथ कलेक्शन आप लोग देखते जाएं। बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि ज़ाहिर बात है ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं, प्राइजेज आपके सामने लिखी हुई हैं कि कितने में कौन सा सूट आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर अभी तो खैर टाइम नहीं रहा, अभी मैं कोई प्री बुकिंग नहीं है, कोई सेल की वीडियो नहीं है। हाँ, जो आर्टिकल्स मेरे पास पड़े हुए आप उनमें से बाय कर सकते हैं, क्योंकि कोई हालात नहीं है यहाँ दोबारा जाने के लिए ना। यकीन माने बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती है जब आप बिल की लाइन में खड़े होते हैं 3 से 4 घंटे, तो आपको लक पता जाता है। तो खैर इस तरीके की कलेक्शन है जो डिस्प्ले हुई है। थोड़ी सी यहाँ रश नहीं थी तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो इंसानों वाली कैप्चर कर ली, मतलब थोड़े तरीके से बना ली, और वरना ओवरऑल इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वरना हमेशा मैं प्रॉपर वीडियो तो बना ही लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है आप आर्टिकल्स इकट्ठे करें कि वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर जो है ना, चेक करें किस तरीके का ये क्राउड है। सब ने बैठने की जगह भी तो नहीं होती ना, पता नहीं छोटे छोटे बच्चों को माए किस तरह ले आती है। तो खैर इस तरीके की कलेक्शन है, रश बहुत ज़्यादा है, और कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आर्टिकल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन क्या करूं अब यहाँ रश इतनी है। तो खैर साथ साथ आप कलेक्शन देखें, और मैं साथ में अपडेट इसलिए दे रही हूं कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ अपडेट दें, आप बताएं इनकी सेल कब आएगी। भाई भूल जाएं, अभी सेल नहीं आएगी, और जो आने वाली लोन्स हैं वो बहुत महंगी हैं, बहुत एक्सपेंसिव सूट इनके आएंगे, तो वो इंसान के बारे में नहीं आने वाले। कोशिश करें कि किसी रीसेलर से कांटेक्ट करें, उसकी सर्विसेज को अवेल करने की कोशिश करें जो यहाँ पर आए, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं जाने वाली। इतनी ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा रश है, चेक करें जहाँ से गुजरें रास्ता नहीं मिलता, और लोग कहते हैं आप प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। तो वीडियो इतनी रश में, इतने क्राउड में तो इंसान बना भी नहीं सकता। तो खैर यहाँ पर कुछ दुपट्टास दिए गए थे, कुछ खड्डी नट में थे, कुछ लोन वाइल्ड दुपट्टा और स्टूलर्स भी दिए गए थे, और ये इन्होंने रीफिल किया। इससे पहले भी मैं एक राउंड लगा चुकी हूँ, उस टाइम कुछ और कलेक्शन डिस्प्ले थी, और उसमें से मैंने एक स्टूलर भी बाय किया। तो खैर मैंने शायद उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, उस टाइम मैं सिर्फ बाय करने के चक्कर में थी, अब वीडियो बनाने के चक्कर में भी हूँ, और देखना चाह रही हूँ कि और कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ से मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को स्टिच आर्टिकल चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर यकीन माने साइजेस बहुत इशू रहता है। अगर सुबह आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मुझे कोई 10-12 बजे का टाइम था जब मैं यहाँ पहुँची, तो तब तक काफ़ी चीज़ें मुक चुकी थी। तो खैर इस तरीके की कलेक्शन है, ये मैं नहीं कहूँगी कि सेल अच्छी नहीं थी। अगर मैं इसको वर्डिक्ट देना चाहूँ, ओवरऑल अच्छी सेल है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अच्छी सेल नहीं थी, बहुत से अच्छे आर्टिकल्स भी शामिल किए गए हैं। नो डाउट जो इन्होंने जो डेट दी थी उससे पहले जब इन्होंने लॉन्च कर दी, ओपनिंग कर दी, तो तब एक खातून ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, और सारा स्टॉक ही उसने उठाया है, तो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। तो जिसकी वजह से ये होता है, क्योंकि वो एक दिन पहले से आ रही थी, वेट कर रही थी, और मुझे लगता है कि इसी वजह से उसने चीज़ें काफ़ी बाय करनी थी, तो इसी वजह से उस स्टोर की ओपनिंग की गई एक दिन पहले ही। लेकिन चलें कोई नहीं, और बाकी जो है, बाकी हमें भी हमारे हिसाब के आर्टिकल्स मिल ही जाते हैं। अगर आप देखें ढूंढें, बहुत से अच्छे आर्टिकल्स हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर हैं। हर इंसान की एक डिफरेंट पसंद है, चॉइस होती है। तो मुझे जो चाहिए था मिल गया, ये मेरी क्लाइंट का था, कुर्ता ले लिया, ट्राउज़र रह गया। ट्राउज़र के पीछे बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। नहीं तो वाइट शलवार के साथ पहना जा सकता है, कुर्ता प्यारा है। तो खैर इस तरीके की कलेक्शन है, ये पिंक कलर का कुर्ता भी ओवरऑल अच्छा है, लेकिन वही बात है ना, मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ कि लोन जो है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा पतले स्टफ़ में होती है ना, तो वो सी थ्रू हो जाती है, और वो सी थ्रू वाली चीज़ ना बेसिकली मुझे नहीं पसंद। तो वरना मैं सच्ची में यही प्रेफर करूँगी कि इंसान को कैमरे ही पहननी चाहिए,
क्योंकि एटलीस्ट वो सी थ्रू तो नहीं होती ना, तो इसलिए लोन ठीक है, डार्क कलर्स ले लें जो पतला स्टफ़ नहीं हो, लेकिन ये जो आगे लोन आ रही है मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इसी तरीके की आएगी। तो खैर ये भुलेखा खा लिया मैंने, मैंने कहा शायद ये वो वाला आर्टिकल है जो मुझे मेरी एक क्लाइंट को चाहिए था, जो मेरा एक पार्सल वापस हुआ था, लेकिन चलो कोई नहीं। खैर इस तरीके की ये सारी कलेक्शन है, आप आएँ अगर आ सकते हैं, यहाँ रहते हैं F10 मरकज़ में, आपको ये सेल मिलेगी सिर्फ एक ही आउटलेट पर इस्लामाबाद में, अदरवाइज़ और किसी भी आउटलेट पर नहीं है। और बहुत से लोगों ने पूछा कि इनकी मज़ीद सेल आएंगी, तो देखें अगर कोई रीओपनिंग होती है या ओपनिंग होती है तो शायद उस आउटलेट पर या उस सिटी में वो सेल लग जाए, और जो ये मज़ीद इनका बचा कुचा माल है ना ये भी निकल जाए। ये शर्ट भी मैंने बाय की है इन लार्ज साइज़, ये भी मेरी क्लाइंट की है, मैंने उनसे कहा ले लें प्यारी दिख रही है ले लें, बस तो उन्होंने ले ली। तो इस तरह की, अदरवाइज़ रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान में ये लोग सेल नहीं लगाएंगे, क्या पता चलता, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। अभी सेल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ बेचारे थक टूट गए हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप मेरे थ्रू शॉपिंग करवाना चाहते हैं, स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट पर बुकिंग की जाती है, शॉपिंग की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। पर टैग के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं और आपका आर्टिकल आप तक पहुंचा दिया जाता है, डिलीवरी चार्जेस भी आप ही ने देने होंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि टाइम ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।